हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज आपके लिए मैं कुछ लाई हूँ। सोचिए क्या लाई हूँ, कमेंट करिए। अच्छा ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। मैं आज आपके लिए लाई हूँ मेरी साड़ी कलेक्शन। मेरे पास बहुत बहुत साड़ियाँ हैं, मैं काउंट नहीं की हूँ लेकिन मैं बता सकती हूँ मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं। तो उसमें से मैंने कुछ गिने चुने जो अच्छी हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास अच्छी साड़ियाँ नहीं, मेरे पास बहुत 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 अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, लेकिन उसमें से कुछ मैंने साड़ियाँ निकाला है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। अभी शादी का सीजन आ गया है तो शादियों में आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए और मेरा साड़ी का कलेक्शन देखेंगे शायद आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ आपको कैसे साड़ी लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मेरे साड़ियों में मैंने क्या क्या रखा है। तो मैं पहले बता दूं कि मैं अपने साड़ियों को हमेशा इस बैग में रखती हूँ, जिप लॉक बैग है, मैं इसी में अपनी साड़ी रखती हूँ। ये पूरा बंद होता है और ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं अपनी साड़ियाँ सारी इसी में रखती हूँ। इसमें ब्लाउज का शेप पर भी आता है तो उसमें मैं सिर्फ ब्लाउज रखती हूँ। तो मैंने मतलब हल्के से लेके हाई रेंज तक की साड़ी रखी है। अगर आपको जो भी पसंद आए तो प्लीज़, अगर आपको जैसे आइडियाज़ लगे कि आपको कैसी साड़ियाँ चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो मेरी पहली साड़ी है ये देखिए, ये इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और ये आधे इस जॉर्जेट के कपड़े में है और आधा नेट में है। और अगर आप देख सकते हो तो ये ऐसा डिज़ाइन है और ये बहुत प्यारा लगता है। आप अगर वन साइड लोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। और ये आधी साड़ियों में ही ये देखिए ऐसे लाइन है और नीचे स्टार्टिंग में ये देखिए पूरी साड़ी में आपको ऐसे मिलेगा और बहुत प्यारा लगता है। अगर आप इसको एंगेजमेंट में पहनते हो तो, या फिर अगर आपके यहाँ तिलक होता हो उसमें पहनते हो तो काफ़ी प्यारा है। ना ज़्यादा हैवी लुक है लेकिन हाँ ज़्यादा लो भी लुक नहीं आएगा आपका, इसमें काफ़ी प्यारा लुक आएगा। और इसका जो कलर है ये पीच पिंक कलर है एंड ये ब्लू कलर, बहुत प्यारा लगता है ये कलर। और उसके बाद ये दूसरी साड़ी देखते हैं, ये देखिए ये पिस्ता कलर की साड़ी होगी, ये भी डबल सेट में है। और इसका बॉर्डर देखिए ये सारे मोतियों में है, बहुत प्यारा मोती है ये है। इधर धागे हैं, थ्रेड के काम है, इसको पूरा इतना चौड़ा चौड़ा बॉर्डर है। और इसका ये ऊपर का बॉर्डर है, ये नीचे की लेंथ रहेगा और ये वाला ऊपर के साइड में रहेगा, आपके पल्लू के साइड में रहेगा। और अगर आप इसको वन साइड लेते हो तो बहुत प्यारा लगेगा। ये भी डबल कलर में है, पल्लू इसका पिस्ता कलर में है और अंदर प्लेट के साइड में आपको मिलेगा हाफ वाइट कलर का, बहुत प्यारा है। ये भी मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ऐसी साड़ियाँ अगर लेते हो तो मीन्स शादी के पहले बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं, तो उसमें आप ये सब पहन सकते हो। फिर उसके बाद है ये साड़ी ये बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्ट है, डबल सेट में ये भी साड़ी है। ये अंदर नेट है इसको देखिए और ये पल्लू है इसका, लेकिन आप लोग को लगेगा ये चुभेगा लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है, वेलवेट कपड़े में है ये, बहुत सॉफ्ट है। और इसका ये बॉर्डर है, बॉर्डर देखिए, अगर आप इसमें चाहो तो इसमें आप लोग कलर भी ऐड करके पहन सकते हो, जैसे ब्लाउज के कलर गोल्डन हुआ ब्लू हुआ तो आप लोग वो पहन सकते हो। ये बहुत प्यारा है ये देखिए, आप लोग को शायद दिख रहा होगा। और ये देखिए उसके जो नेट है अंदर का, उसका ये बॉर्डर है अंदर की साड़ी का है, ये देखिए पूरा घाघरे के जैसा है वर्क है। ये आपको एक हैवी लुक देगा, लेकिन साड़ी हल्की है लेकिन लुक हैवी देगा, सोचिए कितनी अच्छी बात है या नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग हैवी साड़ी। ये जो मेरी साड़ियाँ थी, तीन चार साड़ी थी जो भी, तो ये है मेरा लुक, मतलब हल्का आपको पहनने भी अच्छा लगेगा और आपको हैवी लुक भी देगा। अब हम जाते हैं हैवी साड़ी से कि वो कैसे है। तो ये मेरा साड़ी है देखिए, बॉर्डर ग्रीन कलर का और इसका ये बॉर्डर देखिए, ये ऊपर के साइड रहेगा पल्लू के साइड और ये नीचे बॉर्डर है पैर के साइड में रहेगा। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, और इसका वर्क देखिए तो आपको अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें भी आप ऐड करके पहन सकते हैं, इसमें अगर आप पहनना चाहो तो पर्पल पहन सकते हो या फिर रेड पहन सकते हैं। देखिए पर्पल भी है, रेड भी है, गोल्डन भी है,
तो आप लोग इसमें मैच करके पहन सकते हो, बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट पहन सकते हो, जो ब्लाउज का मैचिंग नहीं हो वो भी पहन सकते हो। ये दिखने में भारी है लेकिन हल्की साड़ी है। और उसके बाद है मेरी ये पिस्ता कलर की साड़ी, ये हैवी है थोड़ी सी, इसकी जो मोती है वर्क है ना, ये देखिए पूरे साड़ी में नीचे आपको मोती मिलेगा, गोल्डन एंड वाइट पर्ल्स है, आप लोग मोती बोलो पर्ल्स बोलो ये वो है। फिर यहाँ पे देखिए स्टोन लगे हुए हैं, इस पर कांच चिपकाया गया है, मीन्स छोटे छोटे मिरर, और ये पूरा लंबा अच्छा खासा चौड़ा बॉर्डर है ये, और ये पूरी साड़ी मीन्स में है। और इसका अंदर का जो लुक है ना वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, सच में बोल दूँ बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये देखिए ओके दिख रहा है, ये देखिए इसके नीचे का जो अंदर का नेट है ये उसके का है बॉर्डर। आप सोचो कितना प्यारा लुक लगेगा, आप अगर किसी के रिसेप्शन में पहन के जाते हो या फिर किसी के इंगेजमेंट में पहन के जाते हो या फिर आपके घर में खुद के भाई या बहन किसी की शादी हो उसमें पहनते हो, तो एक घाघरे का लुक देता है ये। आपको अलग से घाघरा लेने की ज़रूरत नहीं, चाहिए तो आप उसमें अलग से आप दुपट्टा ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये मेरी दूसरी साड़ी, मैंने दूसरी नहीं बहुत सारी साड़ी हो गई, ये साड़ी आप देखोगे तो बोलोगे कि हाँ कहाँ सिलाई हो। तो ये देखिए साड़ी मेरी, ये साड़ी ऐसी है कि इसको जब तक हम प्रेस नहीं कर ले तब तक हम पहन नहीं पाते हैं इसको। ये देखिए है ना, ये एक्चुअली बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, और इसके जो डिज़ाइन है ये देखिए बहुत प्यारा है। ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पापा विदाई के लिए लिए थे, मेरी मॉम ने लिया था विदाई के लिए, लेकिन मेरे पापा को पसंद नहीं आया कि ये बहुत हल्की साड़ी है, ऐसा उन्होंने बोल के इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया कि रखो तो पहना, तो इसको हार्डली मैं कम से कम शायद 3-4 बार पहनी हूँ, ज़्यादा नहीं पहनी हूँ, आज मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। तो ये देखिए, और इसके जो अभी जो इसके कट ग्लास है, इसकी कृष्णा जो स्टोन है जो भी है, इसमें से अभी तक चमक आती, सोचिए 6 साल पुरानी साड़ी है मेरी। फिर उसके बाद ये पूरी नेट की साड़ी है, मुझे नेट की साड़ी पूरी पसंद नहीं आती है, शायद सबकी अपनी अपनी पसंद हो, लेकिन मैं आप लोग के लिए नेट की साड़ी, मेरे पास ये एक ही साड़ी है पूरी नेट की, नहीं तो मेरे पास आधी नेट है, मतलब जहाँ पे हमारी मिरी बनती है यानी पेट बनता है मैं बस वहीं तक ही चाहती हूँ कि मेरा अगर नेट हो तो वहीं तक हो। तो ये देखिए ये पूरे साड़ी में ऐसा डिज़ाइन है, पूरी साड़ी में है ये डिज़ाइन। और उसके बाद नेक्स्ट साड़ी है मेरी, ये देखिए ब्लू कलर की साड़ी, ये बहुत प्यारा कलर है, रॉयल ब्लू है ये, और इसमें ये गोल्डन का जो बॉर्डर लगा दिया ना, तो ये होता है सोने पे सुहागा, इतना अच्छा लगता है ये। इसका जो देखिए शाइनिंग देख रहा है, इतना प्यारा चमक रहा है। एक्चुअली मेरे सामने कोई भी लाइट नहीं है कि आपको ये लगेगा कि मैं लाइट से फोकस कर रही हूँ इसलिए ये चमक रहा है या फिर मैं एडिट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, ये जैसे है मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ, रियल में बहुत अच्छा चमक रहा है। और ये बहुत अच्छी साड़ी है, थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी मीन्स मेरे लिए ज़्यादा हैवी, मेरे लिए हैवी नहीं, क्योंकि मुझे हैवी साड़ियाँ पसंद है, मुझे हैवी साड़ियाँ पहनना पसंद है, तो इसके लिए ये मैम मुझे बहुत पसंद आई साड़ी। और उसके बाद है ये वाली साड़ी, अभी जल्दी में ही क्या था, तीज था, हाँ तीज था, तो मेरे यहाँ से मतलब हमारे यहाँ से मायके से तीज अभी भी आती है, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये साड़ी भेजी थी तीज के टाइम इस बार। बहुत प्यारी साड़ी है, थोड़ी सी हैवी है लेकिन बहुत प्यारी साड़ी है ये, अगर आप चाहोगे तो आप अपने शादी में या फिर शादी के बाद जो रिसेप्शन होता है मुँह दिखाई होती है और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पूजा होता है, तो आप ऐसी साड़ियाँ कैरी कर सकते हो। देख रहे हैं चिपक गई है, एक्चुअली देखिए पूरी साड़ी में ऐसे ही वर्क है लेकिन हाफ है, इसके बाद ये एक दो एक एक दो दो ऐसे करके उसके बाद है। ये साड़ी मेरी फेवरेट है, क्यों, क्योंकि ये साड़ी मैंने मेरे फर्स्ट करवा चौथ में पहना था, पहला जब मैंने करवा चौथ रखा था तब, और ये मेरे मायके से आई थी मेरी साड़ी, ये
क्योंकि मेरी मम्मी को मेरा पसंद पता है कि मुझे कैसी साड़ियाँ पसंद आती हैं। तो बोलते हैं कि करवा चौथ पे पहली साड़ी मायके से आती है, तो ये पहली साड़ी मायके से आई, उसके बाद मेरे मम्मी मतलब मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड वही लेते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना कितना मतलब इसका कलर है टमाटर रेड कलर है, और इसके अंदर का है बापरे बहुत हैवी है ये साड़ी। सोचिए मैंने कैसे कैरी किया था इसको, ये देखिए इसके अंदर का एक हाफ घाघरा, मीन्स आप लोग को लगेगा कि अगर ये घाघरा की जगह पे ये साड़ी पहनूँ तो मीन्स हाय राम इतना अच्छी लगती है ना, मुझे बहुत पसंद आती है। मेरे पास मोस्टली डबल कलर में ही साड़ियाँ हैं, और हाफ नेट हाफ जॉर्जेट के कपड़े में है, और इसकी जो ये वर्क है बहुत अच्छा है वर्क। इसके जो ये स्टोन है सॉरी मिरर है ना, ये चुभता है क्योंकि ये मतलब एकदम टोक में है ना, तो अगर ध्यान से नहीं करे तो ये चुभता है मुझे मुझे या किसी और को पहनेंगे तो उसको भी चुभेगा, लेकिन ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद आती है मेरी सबसे 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 फेवरेट साड़ी, अब सोचिए क्या, तो ये साड़ी पकड़ उठ नहीं रही मुझसे, ये है साड़ी, ये जानते का कौन सी साड़ी है, ये साड़ी मेरी विदाई की साड़ी है, विदाई की साड़ी। कैन यू इमेजिन कि मैंने इतना वजन साड़ी मैं विदाई में पहन के आई थी। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा है क्योंकि मेरी बेटी खेल रही है, प्लीज कम माइंड। ये देखिए बहुत वजन है साड़ी, और इसको मैंने स्ट्रिप और स्ट्रिप लाइफ में दो बार पहना, मेरी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई लेकिन अभी तक सिर्फ दो बार पहना है, मेरी शादी को 6 साल हो गए, 6 साल में ये साड़ी मैंने सिर्फ दो बार पहना, क्योंकि इतनी हैवी है कि डर के मारे मुझे पहनने के लिए होता नहीं, लेकिन अभी जल्दी मैं इसको पहनने वाली हूँ। मेरी फेवरेट साड़ी है ये, ये देखिए इसका पल्लू देखिए, ये है इसका पल्लू, देखिए ये इतनी प्यारी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, पूरे साड़ी में ऐसे वर्क है, काफी हैवी वर्क है, और अगर आप दुल्हन बनने वाले हो तो प्लीज आप ये ऐसी साड़ी जरूर ले, लेकिन ये बहुत हैवी है, अगर आप कैरी कर पाए तो प्लीज ले। हाँ लोग बोलते हैं रेड कलर की साड़ी लो, तो सॉरी मैं मतलब ये पसंद मेरे पापा ने की थी क्योंकि मेरे पापा को ये साड़ी बहुत पसंद आई थी कि हाँ ये नेहा पहनेगी, तो इसलिए ये साड़ी मेरे पापा ने पसंद की, तो प्लीज इसके लिए एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज प्लीज लाइक दे दीजिएगा। और कैसा लगा आपको मेरा साड़ी कलेक्शन, अगर आपको लहंगा कलेक्शन भी जानना है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं आपको लहंगे कलेक्शन भी दूंगी, मैं ब्राइडल कलेक्शन भी दूंगी, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं धीरे 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 आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे याद करिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास शेयर करिए मेरा ये वीडियो। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे, बाय।